तो दोस्तों इस बाइक की धुलाई हो चुकी है और ये FZS वर्जन 2 है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले वीडियो में, वही बाइक है ये और ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इसको हमने पहले इसलिए धुलवा लिया क्योंकि जब पेंट करने के बाद पूरी बाइक धुलाते हैं तो हो सकता है पेंट उतना ज़्यादा सूखा नहीं रहता तो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने पहले इसको धुलवा लिया है और ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। और अब हम इसके पहिए को खोलेंगे आगे और पीछे के, पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ हो गया है, इसका एलॉय व्हील बिल्कुल साफ है और ये FZS वर्जन 2 है। तो इसके अब पहिए को खोलेंगे। राहुल भाई खोलो। और ये पिन सभी बाइकों में जरूरी नहीं कि लगी रहेगी, ये FZS में लगी हुई है। और हम इसके जब अगले पहिए को खोल रहे हैं तो इसका शॉकर भी खराब है, मैं आपको उधर से दिखा देता हूँ। तब तक ये पहिया खोल रहे हैं, ये इसका शॉकर लीक हो चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा इससे ऑयल आ रहा है और ये जब हम पेंट कर देंगे तो ये ऑयल बह के इसके एलॉय व्हील पे जाएगा, इसलिए हम इसी वक्त इसको इसके शॉकर में भी सील लगा देंगे। और ये पहिया खुल चुका है और जैसा कि आप लोग चाहें तो आप लोग ना करें इस एलॉय व्हील को, इसके डिस्क प्लेट को ना खोलें क्योंकि जैसे सब लोगों के पास इसकी जो एलंकी होती है वो नहीं होती और सब लोग खोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए आप इस पर टेप लगा के फिर पेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको खोलेंगे ज़रूर जिससे हम और अच्छी तरीके से इसको कर सकें। तो फिलहाल अगला पहिया ये खुल चुका है और अब इसके पिछले पहिए को भी खोला जाएगा। और पिछला पहिया खोलने के लिए इसमें इस मडगार्ड को भी खोलना होगा और ये ब्रेक की रॉड को खोल चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। और हमने दोनों पहिया एक साथ निकाला हुआ है, आप चाहें तो एक एक पहिये को निकाल के लगा सकते हैं। ये कपलिंग रबड़ इसको निकालना पड़ेगा नहीं तो ये भी कलर हो जाएंगे। ये दोनों पहिए खुल चुके हैं FZ के और आप एक एक पहिया खोल के तब उसको पेंट करें क्योंकि दोनों एक साथ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम दें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकेगा। और अब हम इसको प्लेट को खोल लेंगे और उसको इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो इसको थिनर से साफ़ कर सकते हैं, थिनर मंगवा के उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा के, जिससे आपका पेंट ख़राब ना हो, अच्छी तरीके से उलग सके और बाद में कोई दिक्कत ना आए। हम लोग इस पर थिनर लगा के साफ़ कर लेते हैं, हम इसको पेट्रोल से भी साफ़ कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम वहाँ से भी इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके लेके आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इन सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बता दिया है और मैं आपको जुगाड़ दिखा देता हूँ जो हमने इस पर लगाने के लिए बनाया हुआ है, इसके ये जहाँ से हवा भरते हैं लेकर आओ वहाँ से, और इस पर हम लगा देंगे क्योंकि ये भी हमें ब्लैक कलर में ही चाहिए जिससे ये देखने में अच्छी लगे, क्योंकि सारी चीज़ें अगर पेंट हो जाएंगी तो वो उतना अच्छी नहीं लगेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरे दिखा तो दो भाई, ये जो क्लच लीवर होता है उसके ऊपर की कवर होती है, क्लच लीवर या ब्रेक लीवर के ऊपर की कवर होती है, उसको हमने काट के इसमें बनाया हुआ है। हम इसको ऐसे लगा देंगे, ये बिल्कुल पेंट नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इधर आगे के लिए भी हमने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। तो हमने इसको खोल लिया है और अब हम इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा उस टाइम सफाई नहीं हो पाती जब इसमें लगा रहता है, तो डिस्क प्लेट लगी रहती है, इसलिए अब हम इसको अच्छी तरीके से ब्रश से, पेट्रोल से, थिनर से, हर चीज़ से साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद पेंट करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसका एलॉय व्हील बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें स्क्रैच लग गए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप सैंड पेपर से अच्छी तरीके से घिस के उसके बाद पेंट करें, तभी ज़्यादा अच्छी तरीके से पेंट अप्लाई हो पाएगा, नहीं तो उसमें आपको सही पेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब हमारे में ज़्यादा स्क्रैच नहीं है, आप पीछे वाले में देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हल्का सा स्क्रैच है और इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा बहुत ये है, तो ये हम हल्का सा भी सैंड पेपर से मार लेते हैं। लेकर आओ उसको भी दिखा देते हैं, ये पेंट की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
और जैसे इसको लेके चाहे तो आप यहाँ पर हल्का सा ऐसे ऐसे घिस सकते हैं, और बिना मतलब में आप पूरा एलॉय व्हील ही ना घिस डालें, ऐसा नहीं कर, आप देख सकते हैं ये हल्का सा ऐसे घिस सकते हैं, यहाँ पे भी मार सकते हैं, ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसको साफ सफाई करने के बाद। सीधा पेंट पे मिलूँगा मैं अब आपको, यहाँ पर हल्का सा ऐसे कर लेते हैं। तो अब हम इस पे टेप लगा रहे हैं इसके टायर पर, जिससे यहाँ पर कलर ना लगे, जो पेंट हम करेंगे वो टायर पे लगेगा तो बहुत ही बुरा लगेगा, इसलिए इस पे सबसे पहले हम टेप लगा ले रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके MRF जो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको भी कलर किया जाए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करें। तो दोस्तों टेप लग चुका है, आप देख सकते हैं दोनों पहियों में अच्छी तरीके से टेप लग चुका है ये, और अब हम इसको पेंट करेंगे। तो आप ड्रम में कागज़ देख सकते हैं, हमने कागज़ भी लगा दिया है उसमें अच्छी तरीके से, और इसको हिलाने के बाद ही पेंट को पहले अच्छी तरीके से हिलाया जाएगा, फिर उसके बाद इसको पेंट किया जाएगा। करो राहुल। थोड़ा दूर से एक ही बार करने पर ये ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं। देखो अभी होगा, देख लो। नहीं है। अब एक बार हम इसको कर चुके हैं और एक ही बार में ये पेंट ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अब हम दूसरी कैन यूज करेंगे, लेकिन इसके थोड़ा सा सूख जाने के बाद। तो दोस्तों हमारी एक कैन ख़त्म हो चुकी है और एक ही बार हो पाया है ये पहिया, अब हम दूसरी बार इसको करने जा रहे हैं। दूसरा खोल चुके हैं हम, और पहले को हम काट चुके हैं, उसको उठा के लाओ। हल्के हाथों से राहुल कर रहे हैं इसको पेंट, और इन्होंने अभी आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से इसमें हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पहिया करने के लिए मुझे चार कैन मंगवानी पड़ेगी इस पेंट की, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये आपको हल्का सा हरा सा दिख रहा होगा, हो नहीं पाएगा ना। खत्म, दिखाओ इधर। तो अब ये भी ख़त्म हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी निकल नहीं रहा है। तो दोस्तों ये दो कैन ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली हैं, ये खाली हैं, और सिर्फ एक ही पहिया हो पाया है।
हमने इस पर व्हाइट कलर नहीं किया था, सिर्फ ब्लैक कलर पे ही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और वैसे भी एफजेड की रिम थोड़ी सी, ये अलॉय व्हील थोड़े से चौड़े होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो अब हम मार्केट से खरीद के लेके आए हैं, अपने यहीं से मार्केट से खरीदे हैं, इसको ऑनलाइन हमने नहीं मंगवाया है। और ये जो है अब हम इस पर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हो चुका है, अब इस पर एक बार और करना है। तो इसको भी देख लेते हैं, अगर हम इस पर व्हाइट कलर किए होते पहले तो ये कुछ और ज़्यादा अच्छा दिखता। तो दोस्तों, कल पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिर हमने इस FZS के दोनों अलॉय व्हील को कलर कर दिया है। और मुझे ये बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और ख़ास करके इसके दोनों व्हील्स का कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको पेंट करने के लिए हमने दो कैन मंगवाई थी ऑनलाइन पेंट की, स्प्रे पेंट की, लेकिन उसमें ये पूरे व्हील्स कलर नहीं हो पाए, इसलिए हमें चार कैंस अलग से मंगवानी पड़ी, और जिससे तब ये जाके कहीं पेंट हो पाई है। और कल जब हमें इसकी फाइनल वीडियो बनानी थी पेंट होने के बाद, उसी टाइम बारिश हो गई, जिसलिए हमें इसको जल्दी जल्दी पेंट भी करना पड़ा और इसको जल्दी से फिट करना पड़ा। तो कल हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए आज हम आपको इस बाइक को पूरा दिखाएंगे कि ये बाइक आपको कैसी लग रही है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस बाइक के पेंट को देख लें, इसके अलॉय व्हील को देख लें, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अब आप इसके फ्रंट अलॉय व्हील को देख सकते हैं इस FZS के, और मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हो सकता है आपको हरा हरा सा दिख रहा हो बीच में, उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। क्योंकि जब हमने इसके अलॉय व्हील को पेंट किया तो हमने काफ़ी जल्दी में पेंट किया हुआ है, और उसका कारण मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले आप अलॉय व्हील को ज़रूर देख लें, यहां से बिल्कुल सफाई से पेंट किया गया है ये, क्योंकि हमने इसकी डिस्क प्लेट को खोल लिया था, इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बाद में पेंट किया गया हो। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, बिल्कुल अलग हैं ये, और देखने में ये फ्रंट अलॉय व्हील का कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतर लग रही है आगे से ये बाइक। और पीछे अलॉय व्हील को हम आपको दिखाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी कलर काफ़ी अच्छा है, और जो हमने इसमें लगाई थी वो रबड़, उसकी वजह से ये भी ब्लैक है, और देखने में ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और हमने जल्दबाजी में जो इसको फिट किया, क्योंकि बारिश होने लगी, हमने आपको पहले ही बता दिया, उसकी वजह से यहाँ पर जो निशान पड़ गए, और सबसे बुरी बात यहाँ पर जो पकड़ के जब पहिया लगाया गया तो इसका पेंट छूट गया। मैं आपको इसको उधर से दिखाता हूँ, हमने जल्दबाजी में इसको किया है, और यहाँ पर पकड़ के इन्होंने पहिया लगाया था, इसको पेपर से इन्होंने पकड़ा था, इसलिए ये ख़राब हो गया। और बाकी इसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है। और आपको मैं पूरी बाइक का कलर दिखा रहा हूँ, पूरी बाइक दिखा दूँ एक बार, आप देख सकते हैं कितनी बेहतर लग रही है। मेरे हिसाब से इस कलर में ये बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये बाइक मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है इसका कलर। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपने इसके अलॉय व्हील का कलर देख लिया, बाइक पूरी देख ली, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये थोड़ी सी हरी सी दिख रही है, उसका मैं आपको कारण बता दूं कि इसका जो अलॉय व्हील था वो पहले ब्लैक था, और हमने ब्लैक पे ही इस कलर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमें व्हाइट का इस्तेमाल करना चाहिए था, या हम सबसे पहले इस पर उसको घिस के उस पर प्राइमर मारते, उसके बाद अगर हम पेंट करते तो वो हरा सा नहीं दिखता। लेकिन जो छः कैन हमने इस्तेमाल की, उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा जो रह गया है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा हरा सा दिख रहा है। अगर हम इसमें दो चार कैन और इस्तेमाल कर दें तो ये हरा नहीं दिखेगा, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं लगी, हमें ऐसा ही देखने में अच्छा लग रहा है। और अगर आप जैसे ब्लैक कलर के अलॉय व्हील को पेंट करते हैं, तो सबसे पहले सेफ्टी टिप्स ये है कि उस पर आप व्हाइट कलर का इस्तेमाल पहले कर लें, उसके बाद अगर आप उसको पेंट करेंगे तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा दिखेगा, या आप उसको घिस के, अगर ज़्यादा पुराना है तो आप उसको घिस के और फिर उस पर आप प्राइमर मार के या किसी तरीके से आप पेंट करेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक कलर पर हमने इसको किया है, इसलिए जो कहीं कहीं ब्लैक सा दिखता है उसकी वजह से वहाँ पर वो थोड़ा सा आपको हरा सा दिखाई देगा, सिर्फ इतना ही कारण है। फिलहाल ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। रही बात कि अब ये पेंट कैसा है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमने जो इसको पेंट किया, इसकी कैन में जो है वो कहीं कहीं कुछ ज़्यादा गिरा देती है। अब आप लोग कहेंगे कि तुम्हारे दबाने में प्रॉब्लम हो, तो भाई ऐसा नहीं, हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेंटर के पास पेंट किया हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है या ये पेंट किया हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको बिल्कुल कंपनी वाली फिटिंग चाहिए या जो पेंट रहता है वो बिल्कुल कंपनी वाला चाहिए, तो आपको पेंटर के पास
पास पेंट करवाना होगा, क्योंकि इसमें आपको रुक रुक के पेंट करना होता है, उसमें आप उनके पास जो गन होती है उससे वो बिल्कुल आराम से कर देते हैं, तो वो बिल्कुल एक ही लेवल में आता है। इसमें कहीं कहीं रुकना पड़ता है, तो कहीं ज़्यादा गिरता है कहीं कम गिरता है, लेकिन काम चलाऊँ ये बिल्कुल सही है। अगर आप काम चलाऊँ काम करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कलर चेंज करना चाहते हैं, या आपके पास पेंटर के पास जाने के पास समय नहीं है, आप खुद करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पेंटर से ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। रही बात इस पेंट की, तो इस पेंट को हमने देखा है, पेंट इसका कलर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलर में इससे कोई शिकायत नहीं है और पेंट भी अच्छा हुआ है। बस इसकी कैन में जो थोड़ा सा कहीं ज़्यादा निकल जाता है कहीं कम निकल जाता है, और बीच में ये कैन हमारी आधे पे ही ख़राब हो गई, तो ये भी प्रॉब्लम है। और आगे चल के अगर ये पेंट छूटता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, फिलहाल अभी तो सही चल रहा है। अब रही बात की इसकी क्वालिटी के बारे में आपको बता दूँ, तो मुझे ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना ही बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मीडियम में सही है, काम चलाऊ है, आप काम चला सकते हैं, बहुत बेहतर भी नहीं है बहुत ख़राब भी नहीं है। तो अगर आपको पसंद हो तभी आप लोग मंगवाएं। अब ऐसा नहीं कि मैं जैसे कि जो लिंक दूंगा आपको उससे आप मंगवाएंगे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे भाई कमा लूँगा, सीधी सी बात है। तो अगर आपको पसंद हो तभी आप लोग मंगवाएं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ऐसा नहीं है कि मैंने सीधा वीडियो स्टार्ट होते ही बताया कि भाई बहुत अच्छा है आप लोग मंगवा सकते हैं। जो भी हमने इसमें कमियां की हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद था कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो बना के दिखाएं, इसलिए हमने वाइट नहीं मारा उस पर, इसलिए हमने उसमें जो हरा सा दिख रहा है इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो इसलिए अगर आपकी इच्छा करती है तो आप पेंट करना चाहते हैं तो आप इसको मंगवा सकते हैं, जो मैंने सेफ्टी टिप्स बताए हैं उसको आप अपना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आपको इच्छा करती है तब आप लोग मंगवा सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों ये पेन ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें पेंट बचा हुआ है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें बचा हुआ है, तो अब हम इसको काट के देखते हैं कि इसमें बचा हुआ है नहीं। लो राहुल इसको काटो, तो दोस्तों डिब्बे को काटने के बाद मतलब फोड़ने के बाद जो हमने इसमें छेद किया है इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके मुंह पर भी पेंट लग सकता है, तो आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ FZ की हालत थोड़ी सी बुरी हो गई। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि सब लोग भागने लगे थे, तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरा इसमें यहाँ पर भी कलर लग गया, तो हमने इसको पेट्रोल से छुड़ा दिया, थिनर था उससे भी छुड़ा दिया, तो इससे छूट तो जा रहा, लेकिन अभी इस पर लगा हुआ है, इसको हमें अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर गैस होती है, तो जब आप फोड़ेंगे तो निकलने लगेगा, ये सावधानी आपको बरतनी है, और बिल्कुल भी इसको छेद नहीं करना, उसमें इनके पैंट पे भी पड़ चुका है।